हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सर्किल। हमने कृषि का पहला वाले पार्ट था, उसमें गन्ना तक हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, 5-6 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो पिछले वीडियो में बच गई थी, तो वो अपन इस वीडियो में खत्म कर लेंगे। ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा वीडियो है। तो उसमें हमने गन्ना कर लिया था। गन्ने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फसल है तंबाकू। ठीक है, तो तंबाकू जो है, भारत में दो प्रकार की तंबाकू का उत्पादन होता है। एक है अपना निकोटिना टोबेकम और दूसरा है निकोटिना रस्टिका। ठीक है, जो दो टाइप की तंबाकू इंडिया के अंदर पैदा की जाती है, याद रखिएगा, निकोटिना टेबोकम है और निकोटिना रस्टिका। ठीक है, तो ये टेबोकम है, ये सिगरेट, सिगार तथा चेरूत बनाने के उपयोग में आती है, और जो रस्टिका है वो खैनी, हुक्का व बीड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। और भारत में जो है 90% उत्पादन जो है निकोटिना रस्टिका का होता है। मतलब टोटल जो तंबाकू होती है उसमें 90% जो है उत्पादन किसका किया जाता है, रस्टिका का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में, है ना। नंबर वन है ये स्टेट तंबाकू के उत्पादन में, नंबर टू पर है कर्नाटका और नंबर थ्री पर है गुजरात। ठीक, और जब हम टेबोकम के उत्पादन की बात करते हैं, निकोटिना टेबोकम, तो उसमें आंध्र प्रदेश नंबर वन पर है, कर्नाटक है और थर्ड पर बिहार है। और रस्टिका के उत्पादन की बात करते हैं जो कि 90% होता है, तो उसमें यूपी नंबर वन पर है। ओके, यूपी नंबर वन, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो ये है। इसके बाद आवश्यक परिस्थितियां क्या है तंबाकू के उत्पादन के लिए। वर्षा जो है कितनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक, परंतु 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हानिकारक है, है ना। 50 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होनी चाहिए। पाला बहुत अधिक हानिकारक है तंबाकू की खेती के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तापमान कितना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर की रेंज है। और मिट्टी कैसी चाहिए, लवण एवं अम्लयुक्त अच्छी बलुई मिट्टी। ओके, तो वर्षा, तापमान और किस टाइप की मिट्टी चाहिए तंबाकू के उत्पादन के लिए, वो आपने समझ लिया। देन हम बात करेंगे रबड़ की। बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है ये। यह उष्ण तथा आर्द्र जलवायु का पौधा है, मतलब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको। और इसका उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है, थाईलैंड में। थाईलैंड नंबर वन है रबड़ के उत्पादन के लिए। इसके बाद है इंडोनेशिया और नंबर थ्री पर है भारत। ठीक है, नंबर थर्ड पर है भारत रबड़ के उत्पादन में पूरे विश्व में। और भारत में जो है केरल नंबर वन पर है, जहां पर 92% जो टोटल इंडिया का प्रोडक्शन होता है वो अकेले 92% कहां पर होता है, केरल में सबसे अधिक। देन नंबर टू पर आपका तमिलनाडु, आसाम, फिर कर्नाटका। ठीक है, तो ये इंडिया में रैंकिंग है स्टेट्स की। ओके, आवश्यक परिस्थितियां देख लो क्या क्या है। वर्षा के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक जो है इनको रेनफॉल चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक। काफी ज्यादा बारिश चाहिए होती है, तो इसलिए केरल में काफी अधिक बारिश होती है, है ना, तो इसलिए केरल में सबसे ज्यादा रबड़ होती है। देन तापमान आपका 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रेंज है। और मिट्टी कैसी चाहिए, हल्की अम्ली लैटराइट, है ना, या पर्वतीय प्रकार की मिट्टी। लैटराइट मिट्टी कहां पर अधिक मिलती है, केरला में। जब मैंने मिट्टी अप्लाई की तब बताया था आपको। ओके, तो सारी अनुकूल दशाएं आपको कहां मिल जाती है, केरला के अंदर, तो वहां पर रबड़ का काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है एक चाय, टी। ठीक है, तो ये भी उष्ण आर्द्र जलवायु का छाया पसंद पौधा है, मतलब इसको धूप नहीं चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए और छाया चाहिए, है ना। इसलिए इस पौधे को छाया के अंदर लगाया जाता है और इसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। ये जो स्पेशल पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको स्टेटमेंट में ये पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो चाय जो है छाया पसंद पौधा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए, आता है ढाल नुमा भूमि पर उगाया जाता है। इसीलिए आप देखोगे जो चाय के बागान होते हैं हमेशा पर्वतों की जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती है ना उनकी ढाल पर होते हैं, है ना, तो ढाल नुमा भूमि पर चाय को उगाया जाता है। और आसाम में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, 54% जो चाय का पूरे उत्पादन का 54% होता है आसाम में। नंबर टू पर है पश्चिम बंगाल, है ना, 25%, फिर तमिलनाडु पर 5% और इसके बाद त्रिपुरा 2%। तो ये है रैंकिंग, आसाम नंबर वन, देन वेस्ट बंगाल। इसके बाद आवश्यक परिस्थितियां क्या है, वार्षिक जो वर्षा है वो काफी ज्यादा चाहिए चाय के लिए, 200 से 300 सेंटीमीटर। देखो, वर्षा ज्यादा चाहिए पर जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्षा ज्यादा चाहिए, तापमान कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज चाहिए। मिट्टी कैसी चाहिए, भुरभुरी दोमट मिट्टी, अम्ल की प्रचुर मात्रा चाहिए तथा कार्बनिक पदार्थ। ये मैंने बताया था जब मैं मिट्टी पढ़ा रहा था कि चाय के लिए अम्लीय मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है,
तो ये हो गया। इसके बाद आप देखो नारियल, जो नारियल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया के लिए, और यह तटीय जलवायु वाला पौधा है ना, जो समुद्री तट है वहां पर ही, वहां की जो जलवायु होती है उसमें जो है नारियल के पौधे अच्छे उगते हैं। ओके, और नारियल के उत्पादन में, निर्यात में तथा उपभोग में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर, तीनों में, मतलब उत्पादन में भी नंबर वन है और जो एक्सपोर्ट होता है उसमें भी नंबर वन है और खुद के उपयोग में भी इंडिया नंबर वन है। किसमें? कोकोनट में, नारियल में। उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है? केरल में, ऑब्वियसली, है ना, केरल में, देन कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश, है ना, ये सारे तटीय स्टेट हैं, तो यहाँ पर काफी ज्यादा नारियल का उत्पादन होता है। आवश्यक दशाएं क्या है? आपकी जो वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, मिट्टी लैटराइट मिट्टी चाहिए, ठीक है, मिट्टी कैसे चाहिए? लैटराइट मिट्टी चाहिए, है ना, तो ये देख लेना। इसके बाद मसाले, देखो तो मसाला उत्पादन में केरल एवं कर्नाटक के मालाबार तट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मसाले के उत्पादन के लिए केरल एवं कर्नाटक के जो मालाबार तट है वहां पर अच्छा प्रोडक्शन होता है। और केरल में कौन कौन से मसाले ज्यादा ज्यादा इनका उत्पादन किया जाता है? काली मिर्च, है ना, काली मिर्च का उत्पादन केरल में बहुत होता है, इलायची का, अदरक का और सुपारी, ये चार जो है केरल में मुख्य रूप से उनका उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या होता है? मिर्चा और हल्दी, मिर्चा और हल्दी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आवश्यक दशाएं क्या है? 300 सेंटीमीटर वार्षिक से अधिक वर्षा चाहिए, है ना, काफी ज्यादा पानी बारिश चाहिए होती है, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, और मिट्टी कैसे चाहिए? अम्लीय एवं लैटराइट प्रकार की मिट्टी चाहिए, ठीक है, तो आप इसी से रिलेट कर सकते हो, केरल में मैंने बताया था लैटराइट मिट्टी, तो ज्यादातर चीजें जो यू नो केरल में होती हैं तो उनके लिए लैटराइट मिट्टी चाहिए, तो आप समझ सकते हो कौन कौन सी चीजें केरल में ज्यादा उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इस तरीके से जितनी भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थी वो हमने डिस्कस कर ली है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग खनिज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो कौन कौन से खनिज कहां पर किसका क्या उत्पादन होता है, मिनरल्स के बारे में, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।